श्री अकाल दोस्तों, आज हमने जो बात करनी है एंटी ट्रैगस के अंदर के हिस्से की, इसको हम ज़रा क्लोजअप में देखते हैं। ये हमारा था एंटी ट्रैगस, ये हमारे अंदर का हिस्सा जिसको हमने ब्लैक कलर किया हुआ है, इसको कहते हैं बैक ऑफ एंटी ट्रैगस। एंटी ट्रैगस, ये हमारा बैक ऑफ एंटी ट्रैगस। इसके अंदर जो पॉइंट्स आते हैं उसके बारे में बाद में बात करेंगे। और ये जो हमारा बीच का हिस्सा अंदर है हेलिस क्रस्ट के ऊपर, इसको मैं ग्रीन कलर का रखा है, इसके अंदर भी हमारे बहुत से पार्ट्स आएंगे। तो क्योंकि ये भी एक केव जैसी है, और अगर हम ऊपर की तरफ चढ़ाई करते हैं तो हम उसको कहते हैं ये आदमी क्लाइम कर रहा है, ऊपर चढ़ रहा है। ओके, तो क्लाइम से ही इसका नाम जो बनता है वो है ऊपर की तरफ है सिम्बा कोंचा। इस वाले पार्ट को जो कि हेलिक्स क्रेस्ट के ऊपर है, इसको कहते हैं सिम्बा कोंचा, क्योंकि ये क्लाइम कर रहा है ऊपर की साइड है, इसलिए इसका नाम सिम्बा कोंचा है। अब सबसे जो मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट रह गया हमारा, वो है हमारी ईयर लोब। जहाँ पे ये हमारा कान का हिस्सा यहाँ पे ऐसे ख़त्म हुआ अंदर का हिस्सा, इसके नीचे के पूरे पार्ट को हम ईयर लोब बोलते हैं। ये जो हमारा नीचे का हिस्सा है इसको हम क्या बोलते हैं, ईयर लोब। अब जल्दी जल्दी से हम दो मिनट के अंदर सारे के सारे जो हमारे एनाटॉमी है उसको रिवाइज कर लेते हैं। रेड वाला हिस्सा हेलिक्स, अंदर हिस्सा एंटी हेलिक्स क्रस, हेलिक्स के अपोजिट एंटी हेलिक्स, ऊपर का हिस्सा सुपीरियर एंटी हेलिक्स क्रस, नीचे का हिस्सा इन्फीरियर एंटी हेलिक्स क्रस, अंदर का हिस्सा ट्रायंगुलर फोसा, हेलिक्स और एंटी हेलिक्स के बीच में स्काफा, हेलिक्स क्रस के नीचे वाला केवम कोंचा, ऊपर वाला सिम्बा कोंचा। ये हमारा ट्रैगस, ये ऊपर का हिस्सा नोच अबव ट्रैगस, और ये हमारा ट्रैगस के अपोजिट एंटी ट्रैगस, अंदर का हिस्सा बैक ऑफ एंटी ट्रैगस, और ये नीचे का हिस्सा हमारा ईयर लोब। अब हमने पूरी की पूरी एनाटॉमी तो पढ़ ली है। आप सभी, जैसे कि हम शनि और इतवार को आपको वीडियो नहीं डालेंगे, दो दिन आप पिछला रिवाइज कीजिए, अपने दोस्त यारों में, अपने पार्टनर में उसके कान पर बनाकर ये देखिए, उसकी फ़ोटो खींचिए, और आपको सब कुछ रिवाइज हो जाएगा। ये फिर इसके बाद हम हर पार्ट्स के अंदर हमारे कौन कौन से पॉइंट्स आते हैं उसकी बात करेंगे विस्तार से। मैं आपको अभी कान के ऊपर भी बनाकर एक बार दिखाऊंगा इनको, आपने भी सबने कान पे बना के दिखना है। तब तक के लिए नमस्कार, हैव ए नाइस डे, नमस्कार।